दोस्तों नमस्ते। आज हम जिस ट्रेन की बात करने जा रहे हैं वो है 22477 बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिला जाने वाली ट्रेन, जो कि 9:30 बजे बीकानेर से निकलती है। और इसके अंदर BGKT की भगत की कोठी का WDP-4D या WDP-4B इंजन मोस्टली चलता है। इस ट्रेन का अगर कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कुल 24 डब्बे हैं और पहला, दूसरा, तीसरा डब्बा तो जनरल डब्बे होते हैं, चौथा डब्बा है वो फर्स्ट AC का है। इस ट्रेन का अगर कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कुल 24 डब्बे हैं और पहला, दूसरा, तीसरा डब्बा तो जनरल डब्बे होते हैं, चौथा डब्बा है वो फर्स्ट AC का है, पांचवा डब्बा सेकंड AC का है और छठा से लेकर 10वां डब्बा यानी कि B1, B2 से B5 तक थर्ड AC के इसमें डब्बे होते हैं 5। स्लीपर क्लास के इसके अंदर टोटल 7 कोच लगते हैं और अभी 4 इसमें एक्स्ट्रा और लगा दिए गए, एक्स्ट्रा स्लीपर क्लास लगा दिए अभी। तो कुल मिला के ये गाड़ी D1, D2 और लास्ट के 2 और एक SLR होने के साथ कुल 24 डब्बों की हो जाती है। ट्रेवल टाइम की बात करें तो 7 घंटा 50 मिनट ये टोटल जर्नी का लेता है, 13 हॉल्ट रिश्ते में लेता है, 457 किलोमीटर की कवरेज पूरी करता है, करती है ये ट्रेन। बीकानेर से 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से प्रतिदिन चलती है और 17:20 यानी 5:20 पर दिल्ली सराय रोहिला ये अब पहुंच जाती है। इसका इनोग्रेशन की बात करें तो 11 नवंबर 2011 को, आज से 10 साल पहले इसका इनोग्रेशन हुआ था, फ्राइडे को 11 नवंबर 2011 को। तो ये इस ट्रेन की छोटी सी आगे इसकी रेक शेयरिंग की अगर बात करें तो 20473 चेतक एक्सप्रेस उदयपुर से उसके साथ इसका रेक का शेयरिंग की जाती है। कुल मिला की ट्रेन बड़ी अच्छी है, ICF के कोचेज है और शानदार स्पीड है, सुपर फास्ट ट्रेन के श्रेणी में ये आती है। बीकानेर से चल के नापासर, श्री डूंगरगढ़ और राजल देसर रतनगढ़ के रास्ते से होके जाती है। रतनगढ़ आता है 11:15 बजे, 11:30 बजे चूरू आता है, 12 बजे साजनपुर आता है, 13 बजे 1 बजे लोहारू आता है, लगभग 2 बजे महेंद्रगढ़ आता है 2:30 बजे के करीब और कन्हीना खास आता है 2:42 पौने 3 बजे, रेवाड़ी आता है 15:40 पर, गुड़गांव आता है 16:31 पे 4:30 बजे शाम को और दिल्ली कैंट आता है 16:48 पे दिल्ली सराय रोहिला 17:20 पे। इस प्रकार ये ट्रेन बीकानेर से चली हुई प्लेटफार्म नंबर 5 से चलती है और दिल्ली सराय रोहिला 17:20 पे प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंच जाती है। ये इसकी छोटी सी जर्नी है, एंजॉय लीजिए दोस्तों इसके बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।